बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। इस वक्त हम बांद्रा पे मौजूद है, गैलेक्सी अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, यानी जहाँ पे सलमान खान रहता है, स्टार है। और सामने से ही अगर हम बात करें तो सलमान खान यही सामने गैलरी है। अभी हम नज़दीक से भी जाकर दिखाएंगे कि पूरे समुद्र को जो निखारते हैं, देखते हैं, और उस गैलरी से आके सलमान खान लोगों को विशेष करते हैं ईद बकरीद की बात करें तो हम। और जिस तरीके से अगर मुंबई की महानगरी की हम बात करें और बारिश की बात करते हैं, तो कल मानसून का पहला दिन था और मानसून आते बराबर मुंबई की पूरी पोल, सरकार कोई भी हो, हर सरकार की पोल मानसून खोल देता है। वो बीएमसी की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मानसून जैसे ही मुंबई में दस्तक देता है, आज समुद्र का हम नज़ारा देख रहे हैं, जितना सुहाना नज़ारा ये दिखाई दे रहा है, उतना ही अगर हम झील इलाके की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मुंबई में आफत आने की बात होती है हर साल। और बीएमसी जिस तरीके से 24 घंटे नहीं बीते थे, 48 घंटे नहीं बीते थे, 12 घंटे भी नहीं बीते थे, सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे अजित ठाकरे ने स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई के हालात इस वक्त जो है बहुत सुधारे गए हैं, गटर लाइन्स जो हैं, बड़ी बड़ी लाइन जो हैं, सारी सुधार दी गई है, लेकिन मानसून का पहले दिन, मानसून आते ही पूरी पोल खुल चुकी है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब भागी अहमद, हम मुंबई की बात करना चाह रहे हैं, मुंबई पे इस वक्त मौजूद है। जिस तरीके से मानसून की अगर बात किया जाए तो मुंबई ने पहले ही दिन मानसून को लेकर मुंबई की पूरी बीएमसी और सरकार की पोल खोल दी है, क्या कहेंगे इस पर? कुछ कह नहीं सकते, कहना ही बेकार है। कभी कुछ काम होता नहीं है, मिनिस्टरों के फाइलों में होता है काम, एक्चुअली काम कुछ नहीं होता। पूरे बॉम्बे में गटर ब्लॉक, सीवर ब्लॉक, पूरे बॉम्बे में घुटने तक पानी भरा है। एसवी रोड भर गया तो इससे बातें और ख़त्म। जहाँ एसवी रोड में जब पानी भर गया तो लो एरिया में तो भरना ही है पानी, तो इसलिए कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। ये लोग गटर साफ़ करते हैं और मिट्टी वहीं छोड़ देते हैं, कचरा वहीं छोड़ देते हैं, उठाने वाला कोई उठाता नहीं, वो वापस फिर गटर में जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि सरकार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे शिवसेना की हो, जैसे इन्होंने कहा कि काम होता है लेकिन सिर्फ वो फाइलों तक ही सीमित रहता है, और बाकी पे कहीं ना कहीं आम जनता यही सवाल या निशान उठाती है, क्या मुंबई या बीएमसी हमेशा काम, हज़ारों करोड़ों का काम दिखाती है, लेकिन मानसून की जैसे ही दस्तक होता है कहीं ना कहीं वो मुंबई की पोल खोल कर रख देता है। और आम जनता की अगर हम बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, या नीचे इलाके की अगर मुंबई की हम बात करें, जैसे कल चेम्बूर की बात करें या बांद्रा जुहू की बात करें, तो कमर कमर भर पानी था, लोग की गाड़ियाँ डूब गई थी, और वो तो छोड़िए जानवरों को तक हम देख रहे थे, तो वो उनके सींग जो होता है मुंह के पास से पानी गुजर रहा था, इतना कल मुंबई का पानी था। लेकिन मुंबई की एक खास बात ये भी है, जिस तरीके से कहा जाता है कि मुंबई मानसून आते बराबर पोल खोल देता है, एक घंटे दो घंटे के लिए पूरे मुंबई में पानी भर जाता है, लेकिन उसको फिर रिटर्न समुद्र खींच भी लेता है। लेकिन जब अपनी लहर अपने उरूज में आती है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं समुद्र का नज़ारा, कहीं ना कहीं हर साल बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की पोल खोलते नज़र आता है मानसून। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, मुंबई।